नमस्ते जी, मैं ऋषि आचार्य सत्यपथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, क्या आपका परिचय ऐसी शक्ति से होना चाहिए जो हर पल हर क्षण हमारी, आपकी व सबकी रक्षा कर रही है, जिसका स्वभाव ही रक्षक स्वरूप है। जिस प्रकार अग्नि का स्वभाव गर्म होना है, पानी का स्वभाव ठंडा होना है, सूर्य का स्वभाव प्रकाश देना है, चंद्रमा का स्वभाव शीतलता प्रदान करना है, उसी प्रकार उस परम पिता परमेश्वर का स्वभाव रक्षा करना है। मित्रों, क्या आग से उसकी गर्मी अलग की जा सकती है? क्या पानी से उसकी ठंडक अलग की जा सकती है? क्या सूर्य से उसका प्रकाश अलग किया जा सकता है? क्या चंद्रमा से उसकी शीतलता अलग की जा सकती है? नहीं, क्योंकि यदि गर्मी नहीं तो आग नहीं, ठंडक नहीं तो पानी नहीं, चंद्रमा नहीं तो शीतलता नहीं तो चंद्रमा नहीं, प्रकाश नहीं तो सूर्य नहीं। उसी प्रकार से भगवान नहीं तो रक्षा नहीं तो भगवान नहीं। भगवान वही है जो हमारी आपकी सबकी प्रतिक्षण प्रतिपल हमेशा रक्षा कर रहा है। आप माने या ना माने, आप जाने या ना जाने, परंतु यही सत्य है। आप सोचते हैं कि हम अपनी रक्षा स्वयं करते हैं, भला भगवान हमारी रक्षा कैसे करता है? यह आप बिल्कुल मिथ्या है। भगवान हमेशा हर पल हर क्षण आपकी रक्षा कर रहा है। उसका स्वभाव ही रक्षक स्वरूप है। वह आपके अंदर है, बाहर है, इधर है, उधर है, सब जगह है। आपको तो बस उसके रक्षक क्षेत्र में आना है। आपकी रक्षा तो अपने आप हो रही है। मित्रों, वह परम पिता परमेश्वर हमारा मित्र भी है, क्योंकि विपत्ति, कष्ट, दुख, सुख आदि सभी में वह हमारा साथ देता है। कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हमेशा हमारी रक्षा करता है। और यही तो मित्र का लक्षण है। मित्र वही है जो विपत्ति, कष्ट, दुख आदि में हमेशा अपने मित्र का साथ दे, कभी उसका साथ ना छोड़े। परंतु आज ऐसा नहीं होता है। आप स्वयं देखते होंगे, आज व्यक्ति ऐसे समय पर ही साथ व हाथ दोनों छोड़ देता है। परंतु वह परम पिता परमेश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ता, हमेशा आपका साथ देता है। मित्रों, उस परम पिता परमेश्वर का कोई नाम भी तो होना चाहिए, जिससे यह पता चले कि उसका रक्षक स्वरूप है, उसका स्वभाव ही रक्षक स्वरूप है, जिस नाम से यह पता लगे। वैसे तो उस परम पिता परमेश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है, बहुत नाम है उसको, परंतु एक कोई ऐसा नाम भी तो होना चाहिए जिससे यह पता चले कि उसका स्वभाव ही जीवों की रक्षा करना है, उसका स्वरूप ही रक्षक स्वरूप है। मित्रों, परम पिता परमेश्वर का वह नाम है जो सर्वश्रेष्ठ है, वह है ओम, जिसका अर्थ है रक्षा करने वाला। ओम, इसके अन्यत्र बहुत सारे नाम है परमपिता परमेश्वर के, परंतु यह मुख्य है, सर्वश्रेष्ठ है। जब बच्चा पैदा होता है तब बच्चे की जिह्वा पर ओम लिखा जाता है। यह बात अधिकतर सभी लोग जानते होंगे, परंतु उसके मुख पर, उसकी जिह्वा पर ओम क्यों लिखा जाता है, इसकी जानकारी अधिकतर लोगों को नहीं है। क्योंकि लोगों को पता नहीं है, उन्होंने पढ़ा नहीं है, उन्होंने परंपरा चलती आई, उन्होंने देखा परंपरा चल रही है, उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। मित्रों, बच्चे की जिह्वा पर ओम इसीलिए लिखा जाता है कि हे बच्चे, वाणी का हमेशा सदुपयोग करना, वाणी से कभी भी कटु वचन मत बोलना, हमेशा वाणी से सर्वश्रेष्ठ बोलना, उस परम पिता परमेश्वर का मुख्य नाम ओम बोलना, या इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वाणी से हमेशा मधुर बोलना, मीठा बोलना, कभी कड़वा मत बोलना, हमेशा अच्छा बोलना। क्योंकि वाणी मधुर हो, मीठी हो, इसीलिए परम पिता परमेश्वर का मुख्य नाम बच्चे की मुख पर लिखा जाता है, जीवा पर लिखा जाता है ओम। तो आइए मित्रों, आज हमने जाना कि परम पिता परमेश्वर हमारा रक्षक है, हमारा मित्र है। तो आइए आज की वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी को यह जानकारी मिले, विशेषकर बालकों के लिए। सभी बालक इस वीडियो को जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि सत्यपथ के माध्यम से हम आपको ऐसे ही जानवरदायक वीडियोस देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।